प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एज हब बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में चैप्टर दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक वही है विमा, क्योंकि बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, बहुत आसान भी है। तो हमने इससे पहले 10 विमा हमने पढ़ ली थी और हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम वही बात है कि हम इसको वापस 3-4 कॉलम इसको डिवाइड करते हैं। पहले इस प्रकार से हम इसको 4 कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं। और जो हमारा पहला कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम है, इसमें हम लेंगे भौतिक राशियों को, भौतिक राशियां। सेकंड है, ये हम लेंगे भौतिक राशि में संबंध लेंगे। ये संबंध क्या होता है। और तीसरा लेंगे विमीय सूत्र, चौथा लेंगे एसआई मात्रा। देखो, आगे हमने इससे पहले संवेग तक पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं आवेग की, कि भाई जो आवेग होता है, आवेग की विमा क्या होती है। आवेग, सबसे पहले हमें आवेग का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो आवेग बराबर होता है बल गुणा समय, ये आवेग का सूत्र होता है। बल, आप देखिए, बल की विमा हम पहले पढ़ चुके हैं। बल की विमा हमने पहले निकाल ली कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल की विमा सीधा आप यहाँ लगा देंगे, m1 l1 और t-2 इंटू समय। अब समय की पावर हुए t1, यह आ जाएगा t1, ठीक है t1। अब देखो भाई, वही m1, इधर m1 नहीं है, m1 सिंगल है, यहाँ क्या आ जाएगा m1। और देखो l1 आ जाएगा, इधर t1 है, इधर भी t है, लेकिन देखो इधर t1, इधर t की पावर -2, यानी यहाँ भाई आधार समान घातों को जोड़ेंगे, तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -1, मतलब यहाँ बचेगा t की पावर -1 बचेगा, क्या बचेगा, t की पावर -1। और यहाँ लिखेंगे इसका मात्रक, जो क्या आ जाएगा, देखो बल का मात्र क्या होता है, न्यूटन, यह आ जाएगा न्यूटन, इंटू समय का मात्र क्या होता है, सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड, ये भाई आवेग की विमा और इसका मात्रक आ जाएगा। समझ गए, देखो बहुत सिंपल सी बात है। आवेग बराबर क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, बल गुणा समय होता है। साहब बल की विमा पहले पढ़ चुके हैं, वो यहाँ लगा देंगे, गुणा समय, समय t1 होता है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, m1 तो m1 होगा, l1 सिंगल है तो l1 रहेगा, t1 t-2 तो यहाँ t की पावर -1 बचेगी, और ये इसका मात्र हो जाएगा। बल का मात्र होता है न्यूटन और समय का मात्र होता है सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड ये इसका मात्र हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं शक्ति, पावर। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य की विमा यहाँ लिख दो, जो क्या होती है m1 l2 t-2, और यहाँ आ जाएगा समय t1। ये है कार्य,
कार्य में हम पहले पढ़ चुके हैं, कार्य में क्या होती है एम वन एल टू टी माइनस टू, बटे में समय, समय क्या है टी वन। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो एम वन ऊपर है, अकेला है, नीचे नहीं है, तो एम वन का एम वन रहेगा, ये आ जाएगा एम वन। फिर देखो आगे एल टू का एल टू ही रहेगा, टी वन नीचे ये टी माइनस टू, टी वन ऊपर जाए पावर क्या आ जाएगी माइनस में। देखो पहले से पावर माइनस दो है, ध्यान दो पहले से पावर माइनस दो ऊपर है, ये टी वन नीचे है, ये ऊपर क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस दो और माइनस वन क्या हो जाएगा टी माइनस थ्री, तो ये आ जाएगा टी माइनस थ्री। और अगर हम इसके बात करें इसके मात्रक की, तो भाई कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है, जूल, और समय का होता है सेकंड, यानी जूल प्रति सेकंड। ये इसका एक मात्रक और भी होता है इसका, वो होता है वाट, वाट भी शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट बात करें हम आवेश, आवेश क्या होता है, देखो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणा समय, विद्युत धारा गुणा समय। भाई धारा का जो मात्रक एम्पियर होता है इसको हम ए से व्यक्त करेंगे ए वन, और समय हो जाएगा टी वन। तो भाई आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा ए वन इंटू टी वन, मतलब इस युमा तो क्या हो जाएगी भाई यहाँ एम नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो यह देखो एम की पावर क्या आ जाएगी जीरो, यहाँ सूत्र में एल भी नहीं है, लंबाई भी नहीं है, एल की पावर क्या आ जाएगी जीरो। टी वन है टी की पावर एक, और ए वन है ए की पावर वन। देखो आप कहो आपने ए कैसे यहाँ पे यूज लिया है, हमने यहाँ ए धारा के लिए यूज लिया है, ध्यान रखना कि धारा का मात्र क्या होता है एम्पियर, जो विद्युत धारा होती है उसका मात्र क्या होता है एम्पियर, इसलिए ए वन टी वन, और इसका जो मात्र क्या होता है कूलाम होता है, कूलाम इसका मात्रक होता है आवेश का। हम नेक्स्ट बात करें आवेश के बाद में विद्युत धारा, इसका सूत्र होता है आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। आवेश की विमा हमने अभी पढ़ी है जो कि क्या होती है एम जीरो एल जीरो टी वन ए वन, तो यहाँ लगा दो एम जीरो एल जीरो टी वन ए वन। भाई देखो एक बात और भी है, हम जो विमा लिख रहे हैं अगर यहाँ पावर जीरो होती किसी भी राशि की तो उसे लिखे चाहे मत लिखो इसमें कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे तो यहाँ एम जीरो है एल जीरो है, तो चाहे इनको आप लिखो और चाहे मत लिखो, बटे में समय t1, यानी आप इनको यहाँ सीधा लिख दोगे a1 t1 तो भी सही है, यानी जिनकी पावर जीरो होती हैं वो आप चाहे लिखो और चाहे मत लिखो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको आप ऐसे भी सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो आवेश a1 t1 समय t1, तो t1 से t1 कट जाएगा क्योंकि t की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी पावर क्या आ जाएगी माइनस में, तो ये प्लस की पावर और ये पावर माइनस की, टी क्या हो जाएगा जीरो, मतलब यहाँ देखो एम की पावर क्या है जीरो, एम है ही नहीं, एल की पावर क्या है जीरो, और टी जो है टी क्या हो जाएगा जीरो, और केवल क्या बचेगा ए वन बचेगा। तो ये धारक विमा इसका मात्रक होता है एम्पियर ए। तो ये हमारे थी चार पांच विमाएं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।